तो गाइस एलविश यादव की आए दिन कई लोगों के साथ कंट्रोवर्सीज होती रहती है। हाल ही में वो बिग बॉस OTT सीजन 2 भी जीत कर आए थे, तब से ये कंट्रोवर्सीज और भी ज्यादा बढ़ गई। अब बिग बॉस OTT के सीजन 3 में एलविश के बेस्ट फ्रेंड लव कटारिया भी आए हैं और पूरी एलविश आर्मी उन्हें सपोर्ट कर रही है। 60,000 आदमी मीटअप पे आ जाते हैं, कहां 50,000 भाई, जनता का प्यार है। तो यार वही तो प्यार ही बात कर रहा हूं भाई, मतलब एक स्टोरी डालते ना ये हो गया एलविश हो गया, चक्का जाम हो जाता है, जनता का प्यार है। लव कटारिया आप में जैसे मीटअप डाल देते हैं कि मैं वहां रहा हूं, निशा खटवानी, पूरा चक्का जाम और भीड़ आ जाएगी। तो पुलिस कहती है कि तुमने भाई जनता का इतना आशीर्वाद और इतना प्यार है ना, मैंने जब एलविश बिग बॉस में था ना, मैंने मीटअप किया था उसके लिए सिंगल हैंडली, और सारे भाइयों ने मिलके जितने भी सारे सिंगर भाई हमने खुद के टीम के, मतलब हमने खुद ही किया था, एलविश तो घर में ही था। 100,000 people 100,000 people किधर, कहां, दिल्ली में। इस सीजन में लव कटारिया के मुकाबले में कोई है ही नहीं, लेकिन कई सोर्सेस से खबरें आ रही हैं कि राउंड 12 के जैन सैफी इस सीजन में एज अ वाइल्ड कार्ड आने वाले हैं, और अगर जैन आते हैं तो मुकाबला टक्कर का होगा, एक तरफ एलविश आर्मी और एक तरफ राउंड 12 के फैंस। राउंड 12 के मेंबर वसीम ने अपने नए ब्लॉग में एलविश को थोड़ा सा पोक किया, देखिए उन्होंने क्या कहा। टिकट उठाने तुम्हें, उठा लिया क्या, हमको नहीं पता यार, हम तो एक तो बस ये तो बैठ के आ गए, तो अपना मोबाइल उठाए और चल दिए। चल दिए वो है कहेंगे मैनेजर, भाई अपने तो अच्छा, इनका तो मैनेजर है, हम तो अपना आप उठा के लाए। अच्छा बड़े लोग बड़ी बात है, अपना रोला है, वही सही बात है, बड़े लोगों का रोला ही होता आजकल, गरीब लोगों का ही होता क्या सिस्टम, ठाक देना ये मम्मा ने बोली होगी। उनकी इस पोकिंग से एलविश आर्मी और राउंड 12 के बीच एक फैन वॉर छिड़ चुकी है। एलविश ने इस पर अभी तक कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है, शायद एक हिंट हो सकता है कि इस बार बिग बॉस में जैन की एंट्री होगी, फिर ये राइवलरी काफी ज्यादा मजेदार होगी। आपको लगता है क्या जैन सैफी इस सीजन में एज अ वाइल्ड कार्ड आएंगे, कमेंट करके जरूर बताना।